एम के टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। वेलकम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरियों और हरी मिर्चों से लौंजी, जो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत यमी है। और ये एक किलो मैंने कैरियाँ ले ली हैं और एक पाव हरी मिर्चें ले ली हैं। लेकिन उनको हाथ लगाने से पहले हम अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे सैनिटाइज़र से, और अपने हाथ साबुन से बार बार वॉश कीजिए और सैनिटाइज़ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है जिस तरह से हालात चल रहे हैं आजकल के। तो आइए अब हम इनको काटेंगे, इनको हम डी शेप में काटेंगे, बीच में से आधी करके और डी शेप में काटेंगे हम। इस तरह से हम आप कटी हुई दिखाएंगे आपको, और इनको सिर्फ एक चीरा लगाएंगे, इनकी डंडियाँ नहीं निकालेंगे। और चले चलते हैं हम अपने काटने की तरफ। कैरियाँ काट ली थी तकरीबन लगभग एक किलो के करीब थी, तकरीबन ये एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, ये एक पाव तकरीबन मिर्चें, और इनको हमने इसमें से बीच में से चीर लिया है। मैं दिखाऊंगा आपको इस तरह से, ये एक साइड से चीर लिया। और अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हम कलौंजी, दाना मेथी, साबुत सौंफ, कुटी हुई मिर्चें, ये पिसा हुआ धनिया है, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, और ये ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया, इन सबको हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया। ये है ब्राउन शुगर और ये है सिरका। अब इधर सब हम इसमें ऑयल, अच्छा सबसे पहले हम ला लेंगे इसमें कलौंजी, कलौंजी डालेंगे और डालेंगे दाना मेथी। तक इसमें थोड़ी सी खुशबू ना आ जाए। ये बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार होती है। आमतौर पे लोग तो वैसे मिर्चों वाली बनाते हैं, फिर वो एसिडिटी भी कर देती है, लेकिन इससे बिल्कुल भी, इसको आप आराम से खा सकते हैं। जिनको एसिडिटी है वो बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगी। सबसे पहले मिर्चें डालेंगे हम अपनी, मिर्चें डालने से थोड़ा सा ये पटाखे हो गई है, तो इसलिए आप इसके लिए रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको हिलाएं। ये हमारी हरी मिर्चें फ्राई हो रही है, जब तक इनमें से खुशबू ना आ जाए तब तक हम दूसरी चीज़ नहीं ऐड करेंगे। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी हरी मिर्चें जो है ये फैल भी आनी शुरू हो गई। अब हम अपनी कैरियाँ डालेंगे, इसी तरह साबुत डालनी है और डंडी के साथ डालनी है, क्योंकि डंडी में बहुत जायका होता है हरी मिर्ची से। अभी आप कैरियाँ डाल दीजिए, हाथ इस्तेमाल कर दीजिए और अपने आप को हाथों को साबुन से वॉश कीजिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मिक्स कर देंगे इन दोनों को। ये सौंफ जो साबुत थी, साबुत सौंफ डालेंगे, नमक डालेंगे। ये हसब ज़ायका आप चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये कुटी हुई मिर्ची, ये पिसी हुई मिर्ची और ये हल्दी, पहले हम ये मिक्स करेंगे। अच्छा कलर आना चाहिए, अच्छा कलर भी बहुत खूबसूरत होता है पकने के बाद, और ये ख़राब भी नहीं होती ना। ये तकरीबन 15 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं इसको, फ्रिज में रखे हुए न गर्मियों की वजह से चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है। ऑयल भी इसमें थोड़ा सा छोड़ दिया, इसका कलर खुशबू बहुत ज़बरदस्त है इसकी। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर,
अच्छा बनना हो तो गुड़ भी कूट के डाल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा चाहे कि वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। दो टेबल स्पून और ऐसे भी अगर आप दूसरा ले सकते हैं तो आपको पसंद हो, सिंथेटिक हो या ओरिजिनल हो, जैसा भी थोड़ा सा हो तो इसकी खुशबू और विनेगर इसलिए भी डाला जाता है कि ये ख़राब ना हो, ख़राब होने से बच जाती है। अब हम इसे बस अभी भी आज के पकने छोड़ देंगे, ये खुद पके कैरिया ये सब चीज़ें गर्म हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, इसी तरह हरी मिर्ची रहेगी और उसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अब उसके बाद हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे, मेरे घर का कड़ी पत्ता है, मेरे घर में लगाए हुए तो दो पौधे लगाए हुए, तो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी, हो तो मैं फ्रेश ही डालती हूँ और इसमें हम डालेंगे आखिरी में डालेंगे, आखिरी में इसलिए डालेंगे, वैसे कुछ लोग शुरू में तेल में डाल देते हैं जिससे वो जल जाता है, तो जलने से बचाने के लिए इसको आखिरी में डालें, इसकी खुशबू भी कायम रहती है और ग्रीन इसकी लीव्स भी बरकरार है। अच्छा ये हमने डिश आउट कर ली है ये अपनी लौंजी, ये बहुत ज़्यादा जूसी है, बहुत यमी है, और अगर आपको पसंद आए तो इंशाल्लाह ज़रूर घर में बनाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।